हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 18 है, दैट इज इंडियन साइंटिस्ट और उनकी क्या बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ 9 इंडियन साइंटिस्ट की जीवनी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और साथ में उनकी जो साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए उपलब्धियां क्या थी उसका वर्णन इस चैप्टर में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे जो पहले पर्सन है वो है सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। ठीक है, तो ये एक एंशियंट डॉक्टर थे जो कि लगभग बीसी बिफोर क्राइस्ट 500 साल, क्राइस्ट के 500 साल पहले, मतलब अब से लगभग 2500 साल पहले ये थे। ठीक, तो देखते हैं सुश्रुत का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे लिए, मेडिसिन जगत के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, सो ही वॉज द सन ऑफ सेज विश्वामित्र, बॉर्न इन 500 BC। जो सुश्रुत थे वो ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे और ये 500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट जो है उनसे, जीसस से 500 साल पहले ये जन्म। ठीक, ही गॉट बेसिक नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम धन्वंतरी आश्रम। बच्चों, धन्वंतरी आश्रम जो है वहां से उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है, बेसिक नॉलेज है वो प्राप्त किया, किसका, मेडिसिन और सर्जरी का, दवाइयों के बारे में, और उसके अलावा जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो उन्होंने धन्वंतरी आश्रम से ही सीखे। ठीक है, उसके बाद क्या, ही रिफाइंड द प्रोसेस ऑफ सर्जरी, और जो भी सर्जिकल मेथड्स होते हैं उनको प्रॉपरली, उनको एक तरह से स्टेप वाइज तरीका उन्होंने अपनी एक बुक लिख करके उसमें समझाया कि जब भी हम सर्जरी करें, किसी भी पर्सन की सर्जरी करने से पहले किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या स्टेप वाइज तरीके से हम किस पार्ट की सर्जरी कैसे करनी है, पूरे प्रोसीजर्स उन्होंने, इवन जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, जटिल ऑपरेशन, उनकी सर्जरी के भी पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर समझाया है और बहुत सारे जटिल चिकित्सा जो है ऑपरेशंस है वो उन्होंने किए अपने जीवन काल में। ठीक है कि नहीं, ओके। उसके बाद ही डिस्क्राइब्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। ना केवल उन्होंने तरह तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स का विवरण अपनी पुस्तक में दिया है, बल्कि उन्होंने खुद ही बहुत सारे सर्जरी के अंदर यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी आविष्कार किया, खुद ही उन्होंने उनको बनाया और किस इंस्ट्रूमेंट का क्या उपयोग है सर्जरी के दौरान वो भी उन्होंने अच्छे से समझाया। ठीक, उसके बाद जोसेफ लिस्टर, बच्चों ये एक पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले सेप्टिक का आइडिया दिया था कि यदि हमको कोई भी कट, इंजुरी, घाव लग जाता है तो उस घाव में से हमारे शरीर में अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं और वो हमारे शरीर में तरह तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हमारे बॉडी में जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं, पेन, सूजन, जलन, जो भी होगा, घाव सूज जाता है और जल्दी से ठीक नहीं होता, ये चीज सेप्टिक कहलाता है। और सेप्टिक से बचने के लिए बच्चों कई प्रकार के हमारे मेडिसिन आती हैं जो कि हम घाव पे लगा सकते हैं, जिनको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। ये एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं बच्चों, ये जो है जर्म्स वगैरह है उसको किल कर देते हैं हमारी बॉडी सरफेस से। क्लियर, तो जोसेफ लिस्टर का ये बेसिक आइडिया था सेप्टिक वाला। लेकिन जोसेफ लिस्टर से बहुत पहले, उनसे बहुत पहले जो सुश्रुत थे उनको बेसिक आइडिया था सेप्टिक के बारे में। ही हैड द नॉलेज दैट All surgical instruments should be sterilized before any surgery to kill all bacteria and prevent septic infection. समझ में आ गया? तो उनको पूरा पूरा ज्ञान था कि जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जरी के लिए यूज होने वाले जो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको प्रॉपरली जर्म फ्री बनाना बहुत जरूरी है। तो स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है जर्म फ्री, तो उसके लिए अल्कोहल वगैरह से ट्रीट करके उनको क्या है, कीटाणु रहित और बैक्टीरिया रहित बना देना पड़ता है, उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो ये सबसे अहम हिस्सा है सर्जरी का, नहीं तो किसी पर्सन को क्या है, सेप्टिक इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा होता है। तो इसका पूरा पूरा उनको नॉलेज था। उसके बाद ही गेव नॉलेज अबाउट 101 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। सर्जरी में उपयोग आने वाले लगभग 101 जो सर्जिकल उपकरण है उनको उन्होंने खुद खोजा और उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी, ज्ञान अपनी पुस्तक में विवरण उनका दिया उन्होंने कि किस उपकरण का यूज कैसे करना है, कहां करना है। ठीक, चलिए, उसके बाद वो एक्सपर्ट थे कुछ कुछ सर्जरीज में, जिसको कि हम आज प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हम जो फेस होता है, ह्यूमन फेस होता है, उसके जो फीचर्स है उसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं सर्जरी के माध्यम से। आजकल ये प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। तो नोज वगैरह उसका आकार छोटा बड़ा करना, ईयर, लिप्स बड़े हैं किसी के तो छोटे करना उसके, तो ईयर का शेप बदल देना, तो छोटी मोटी सर्जरी के द्वारा क्या है, इनके जो शेप है उनको सही कर देना, इसमें वो एक्सपर्ट थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन कैरिंग आउट
प्लास्टिक सर्जरी ऑफ, तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब बच्चों ये नहीं है कि हम कहीं से प्लास्टिक लाके चिपका देते हैं, नहीं, बस थोड़ा सा फेशियल चीजों में थोड़ा सा एडजस्टमेंट, इधर उधर से स्किन काट के दूसरी जगह ग्राफ्ट कर देना, ये चीजें होती है प्लास्टिक सर्जरी के अंदर। तो उनमें उनको महारत हासिल था और इसीलिए क्या है उनको हम क्या है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। नोज की जो प्लास्टिक सर्जरी है रिनोप्लास्टी कहते हैं उसको, ठीक है कि नहीं क्या। ओके, उसके बाद ही गेव इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग क्लीनलीनेस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, और उन्होंने क्या है जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी साफ सफाई का उचित ध्यान रखने का निर्देश दिया अपनी पुस्तक में, कि सभी जो हॉस्पिटल्स हैं क्लिनिक्स हैं जहाँ पे मरीज ठीक होने के लिए आते हैं उनकी साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छे भले वहां पे इंसान आकर के वो बीमार हो जाए, तो उनकी साफ सफाई इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत ने क्या है अपनी पुस्तकें लिखी है, मोटे मोटे पूरे ग्रंथ हैं, एक प्रकार के टेक्स्ट हैं, ठीक है। और ये टेक्स्ट अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट किए गए हैं, ग्रीक भाषा में किया गया है इनको ट्रांसलेट, अरबी भाषा में किया गया है, अरबी भाषा में इनकी किताब का नाम है किताबे सुश्रुत, और वैसे ये सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता ये संस्कृत लैंग्वेज में वर्स वर्सेस श्लोकों के रूप में ये पुस्तक है। एंड ये पुस्तकें जो है आज भी जो मेडिकल एस्पायरेंट्स है खासकर आयुर्वेद की जो शिक्षा ग्रहण करते हैं आयुर्वेदाचार्य जो है उनके लिए आज भी के बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसका कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। तो बच्चों ये था कंट्रीब्यूशन सुश्रुत का। तो इस पे बच्चों क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और सुश्रुत का योगदान क्या था, ठीक है। तो 101 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देन ही वाज एन एक्सपर्ट इन सर्जरी ऑफ नोज ईयर एंड लिप्स, ठीक। और उसके अलावा जो एंटीसेप्टिक सर्जरी उसका आइडिया उनको था पहले से ही, ठीक है। और कई प्रकार की कॉम्प्लेक्स सर्जरी वगैरह वो सब उन्होंने दी, डिटेल्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स उन्होंने अपनी बुक में समझाए हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कैसे क्या करना है वो भी समझाया है, क्लियर। चलिए तो अगले हम देख लेते हैं। चर जो सुश्रुत तो थे सर्जन, ठीक है, वो सर्जन थे, और चरक जो थे वो जनरल फिजिशियन थे, नॉर्मली जो डॉक्टर्स मर्ज देख करके दवाई देते हैं ना बस वो थे, ठीक है। तो ये एक फेमस आयुर्वेदाचार्य थे, ही वॉज ए फेमस या प्रोमिनेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑफ द एंशियंट समय, पुराने समय के बहुत ही क्या है जाने माने आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक। फर्स्ट डॉक्टर हु गेव द प्रिंसिपल, हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ गेव आना चाहिए बच्चों, ठीक है, पास्ट टेंस है ना ये। तो पहले ये डॉक्टर थे हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी, उन्होंने जो है डाइजेशन का सिद्धांत दिया कि डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, डाइजेशन में प्रॉब्लम आने से सभी अंगों में प्रॉब्लम आ सकती है, इम्बेलेंस आ सकता है शरीर में। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनके बारे में उन्होंने अपनी राय दी, एंड इम्यूनिटी हमारे शरीर का जो रक्षा कवच है बीमारी से लड़ने की जो नेचुरल क्षमता है उसके बारे में भी उन्होंने बेसिक सिद्धांत दिए इम्यूनिटी कायम करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी, जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में होने वाले जितने भी क्रियाकलाप है ना केमिकल एक्टिविटीज रिएक्शन वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू हिम फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ बॉडी ए बैलेंस ऑफ वात पित्त एंड कफ, ये बच्चों तीन हमारे जूसेस कहे जाते हैं बॉडी के रस कहे जाते हैं, इन तीनों में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। इसमें से वात जो है पित्त तो बाइल होता है, वात हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, और कफ हमारा जो क्या स्प्यूटम जो लंग्स में बन जाता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बन जाता है, इन तीनों में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी चीज की अधिकता कमी इम्बैलेंस आ जाता है तो हमारे शरीर जो होती है बीमारी का शिकार हो सकती है। ही रोट ए टेक्स्ट, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका जिसका नाम था चरक संहिता, संहिता मतलब मोटा सारा ग्रंथ है संस्कृत भाषा में है ये, विच इज एन इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑन मेडिकल साइंस, और आज भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है चिकित्सा विज्ञान में मेडिकल साइंस में, इट इज अ हाईली ऑनर्ड टेक्स्ट स्टिल टुडे, और आज भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस में इसको रेफरेंस बुक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिनल प्रिपरेशन दी, प्लांट का कौन सा हिस्सा है उसके किस हिस्से से किस प्रकार की मेडिसिनल वैल्यू की चीज मिलेगी शरीर के किस काम आएगी कौन सी दवाई कहाँ से मिलेगी ये सब वर्णन उन्होंने किया। करीब हजारों प्रकार के प्लांट से मिलने वाले जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है और उनके क्या मेडिसिनल यूजेस हैं वो सब इस पुस्तक में वर्णन किया हुआ डिटेल में। ही न्यू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, और जो जेनेटिक्स जो कि हम आज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं उनको जेनेटिक्स के जो बेसिक सिद्धांत है वो 2000 साल पहले ही पता थे अब से, दैट डिसऑर्डर्स इन बॉडी आर रिजल्ट ऑफ डिसऑर्डर्स इन मदर और फादर, कि अगर हम किसी संतान में किसी बच्चे में कोई डिसऑर्डर हो जाता है कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि मदर या फादर में विकार होते हैं। तो इसका मतलब मदर फादर जो होते हैं अपने जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो अपने संतान में ट्रांसफर कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया उनको हेरिडिटी का भी था, वंशान जो वंशावली होती है कि मदर फादर में डिफेक्ट होने से बच्चों में डिफेक्ट आ सकता है। He also knew the reason that
डिसाइड द जेंडर ऑफ ए चाइल्ड, और उनको जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है, इसका भी उनको बहुत अच्छा आइडिया था। और वैसे ये जो मॉडर्न डे में जो आइडिया है ये सबसे पहले दिया था स्टीवन एंड विल्सन ने, ये दिया था 1905 में, आरबीसी में दिया नहीं है, लेकिन एक मैं अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा हाउ टू डिसाइड द जेंडर ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। तो इनका बहुत अच्छा उसको आइडिया था कि जो पिता होता है बच्चे का वो जेंडर डिसाइड करता है ना कि मदर। He was the first who stated that heart is the central control unit of our body. और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया, ये स्टेटमेंट दिया कि जो हार्ट है, हृदय है, वो सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है हमारे शरीर का। इसमें परेशानी आने से, ब्लड पंपिंग में अगर बाधा आई तो समझो, क्योंकि ब्लड ही तो है जो कि सब जगह रॉ मटेरियल्स, ऑक्सीजन, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें बाधा आई तो हमारे सारे शरीर का कामकाज ठप पड़ सकता है। और यही कारण है कि कोई पर्सन जब भी बेहोश हो जाता है, मृत हो जाता है, तो सबसे पहले उसकी नब्ज चेक करते हैं कि हार्ट चल रहा है कि नहीं, हार्ट गतिमान है कि नहीं। तो हार्ट काम करना बंद कर देगा तो सारे शरीर को परेशानी आ जाएगी। और ये हार्ट जो है ये अलग अलग अंगों से जुड़ा हुआ है आर्टरीज वेंस के माध्यम से, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट हु स्टेटेड दैट हार्ट इज द सेंट्रल कंट्रोल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का जो केंद्रीय यूनिट है जो पूरे शरीर को अपने वश में कंट्रोल में करता है वो है हार्ट, ठीक है। और ये अलग अलग बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है थ्रू आर्टरीज एंड वेंस, ठीक है। He has stated rules. भाई बाकी अंग तभी काम करेंगे ना जब हर्ट से उसको प्रॉपर मात्रा में क्या है, ब्लड पहुंचेगा, ब्लड, ऑक्सीजन और रॉ मटेरियल, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। हर्ट काम करना बंद कर देगा तो सारे ऑर्गन्स निष्क्रिय हो जाएंगे कुछ समय बाद में। He has stated rules, और उन्होंने रूल्स बताए कुछ, क्या रूल्स बताए, गाइडलाइंस जारी की, निर्देश दिए हैं। एंड प्रोमिसेस, प्रोमिसेस मतलब होता है शपथ, कि क्या शपथ लेनी चाहिए, क्या प्रोमिसेस लेनी चाहिए डॉक्टर्स को, ठीक है। जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, भविष्य के डॉक्टर्स, उनको जिसको भी मेडिकल साइंस परस्यू करनी है उनके लिए क्या, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनका जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उनका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनको किन रूल से सिद्धांतों का पालन करना है, और क्या उनके लिए प्रोमिसेस है, क्या उनके लिए शपथ होनी चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, ये डिटेल में अपनी मेडिकल बुक में उन्होंने चर्चा की है। तो अकॉर्डिंग टू चरक, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने क्या है मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बताई हैं, डॉक्टर के लिए बताई है कि डॉक्टर को क्या होना चाहिए। डॉक्टर शुड नॉट बियर एनी एनिमिटी टुवर्ड्स द पेशेंट्स, किसी भी डॉक्टर को अपने किसी मरीज के प्रति, पेशेंट के प्रति कोई एनिमिटी, दुश्मनी का भाव नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कभी भी डॉक्टर को अपने पेशेंट से, चाहे वो पेशेंट कितना ही बुरा हो, पास में उसका नुकसान किया हो, लेकिन उसको कभी भी क्या है उससे दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शुड नॉट डिस्क्लोज ट्रुथ ऑफ पेशेंट्स टू अदर, किसी डॉक्टर को एक मरीज के जो ट्रुथ हैं, सच्चाई है, वो किसी दूसरे के सामने डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, वो कमजोरी का उनके कोई दूसरा फायदा उठा सकता है, ठीक है। सो पेशेंट्स के प्रति वो क्या है उसको सीक्रेसी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। ही शुड ऑलवेज बी विजिलेंट इन सर्च ऑफ नॉलेज, और हमेशा डॉक्टर को क्या है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए नॉलेज या नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो भी मेडिकल फील्ड में नए रिसर्च होते हैं, नए जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उन की जानकारी हासिल करने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, उसको जागरूक रहना चाहिए। ये नहीं कि उसने सीख लिया और अपने आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझे कि भाई उससे ज्यादा जानकारी तो किसी को है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, डॉक्टर को हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ही शुड ऑलवेज बी हंट फॉर मोर नॉलेज। बच्चों चरक शब्द जो होता है इसका मतलब होता है चलना, चर मतलब भ्रमण करना। तो बच्चों चरक का नाम चरक इसलिए पड़ा क्योंकि वो पता है भ्रमण कर करके, घूम घूम के अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी चिकित्सा करते थे, दूर दराज तक, रात के समय भी उनको बुलावा आता था, कहीं से पता चलता था तो रात के समय ही दौड़ पड़ते थे, तो दूर दराज तक घूम घूम के क्या है ना केवल उन्होंने चिकित्सा की बल्कि अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित ना रख के अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को भी अपने ज्ञान को बांटा, जिससे कि वो और दूसरे लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचा सके। तो ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। ही यूज्ड टू ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस ऑन फुट, पैदल ही चल के जाते थे दूर दराज के इलाके तक, टू गिव नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट, ना वो नॉलेज भी, ज्ञान भी बांटते थे अपना, शिक्षा भी देने के लिए जाते थे, प्लस ट्रीटमेंट के लिए भी जाते थे। समझ में आ गया? तो बहुत अच्छे जाने माने डॉक्टर हमारे एंशिएंट समय के, प्राचीन काल के। चलिए अगला हम देखते हैं बच्चों, मॉडर्न जमाने के साइंटिस्ट अभी शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सीवी रमन है, ठीक। सबसे पहले है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। बच्चों ये तमिलनाडु में जन्मे 1888 में। इनके पिताजी का नाम था चंद्रशेखर अय्यर, जो कि फिजिक्स के लेक्चरर थे, और फिजिक्स के लेक्चर थे तमिलनाडु में वाल्टियार कॉलेज में, ये फिजिक्स पढ़ाते थे इनके पिताजी। और क्योंकि फिजिक्स पढ़ाते थे, साइंस से साइंस का बैकग्राउंड था, तो बचपन से ही जो सीवी रामन थे उनको भी क्या है फिजिक्स से लगाव हो गया। उन्होंने भी फिजिक्स को अपने पिताजी की तरह फिजिक्स को ही परस्यू किया, ठीक है। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट एग्जाम जो है, 12th क्लास की जो एग्जाम है, सीवी रामन ने अपने पिताजी जहां पढ़ाते थे वाल्टियार कॉलेज, वहीं से ही उन्होंने पास की।
फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करके एमएससी फिजिक्स से कंप्लीट कर ली 19 साल की कमाईयों में, 19 साल में उन्होंने एमएससी कंप्लीट कर ली। उसके बाद 19 वर्ष की आयु में बिना प्रिपरेशन के उन्होंने सिविल सर्विसेज का फाइनेंस डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया, समझ में आ गया। तो इसके लिए बहुत तैयारी लगती है, लेकिन वो शुरू से ही होनहार थे, तो 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट का एग्जाम दे दिया एंड गॉट सिलेक्टेड, वहां उनको उनका सिलेक्शन हो गया और उनको जो नियुक्ति मिली, अपॉइंटमेंट कैसे मिला, डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो वित्त विभाग है उसके डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल का उनको पद मिला, ठीक है। लेकिन इस पद पर कार्य करते कर, हमेशा के लिए उन्होंने इस पद पे कार्य नहीं किया, क्योंकि साइंस से रिलेटेड थे तो उनको अपने रिसर्च के लिए समय नहीं मिल पाता था, तो बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी थी। तो देखेंगे कब छोड़ी। डिस्कवर्ड साउंड प्रॉपर्टीज एंड फंडामेंटल थ्योरी ऑफ सम इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, भारतीय वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी फंडामेंटल थ्योरी दी, वीणा, मृदंगम, तानपुरा, ठीक है, और कुछ जो फॉरेन विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकल, लाइक वायलिन एंड पियानो, उनकी भी जनरल थ्योरी दी उन्होंने, ठीक है कि नहीं, म्यूजिकल थ्योरी। उसके बाद ही वाज नॉट गेटिंग मच टाइम फॉर हिज साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि अपनी नौकरी पर रहते हुए अपनी जो साइंटिफिक रिसर्च है उससे दूर नहीं रहना चाहते थे, उसके लिए वो समय नहीं निकाल पाते थे। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट से 1917 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, नौकरी छोड़ दी। एंड ही बिकेम ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कैलकटा यूनिवर्सिटी, और बंगाल में कैलकटा यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बन गए फिजिक्स के, अपने पिताजी की तरह, पिताजी वाल्टियर कॉलेज में, तो ये कैलकटा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और वहीं पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए ही डिस्कवर्ड द वर्ल्ड फेमस रामन इफेक्ट, उन्होंने रामन इफेक्ट की खोज की, और इस इफेक्ट के कारण ही 1928 में बच्चों उन्होंने खोजा था, और उस समय 1928 में इस अपरेटस को खोजने के लिए खुद ही उन्होंने अपना अपरेटस निर्माण किया था, और लगभग 200 रुपए की लागत आई थी, आज के सेंस में अगर हम देखें तो उस समय के 200 रुपए जो आज के 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू होगी, ठीक है कि नहीं, तो खुद का उन्होंने अपना खर्चा किया, और इस इफेक्ट के लिए उनको जो रिनाउंड नोबेल प्राइज है इससे सम्मानित किया गया 1930 में, और इस इफेक्ट को हम रामन स्केटन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या था ये इफेक्ट, वो भी देख लेते हैं बच्चों, ये इस टॉपिक पे नॉर्मली रामन इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन आता है कि क्या था ये। सो क्या था इफेक्ट, व्हेन लाइट पासेज थ्रू ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडियम, जब किसी भी पारदर्शी लिक्विड मीडियम से लाइट ट्रेवल करती है, इट्स मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड टू हायर वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, दे जंप ऑन टू द हायर एनर्जी लेवल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, एंड और ये जो एनर्जी आती है लाइट की, जब भी लाइट पास करते हैं तो लाइट जो है फोटॉन्स की बनी होती है, और फोटोन के अंदर एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी जब आती है लाइट की, फोटोन की, तो ये फोटोन टकराते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स को कुछ एनर्जी अपनी इंपार्ट करते हैं और फोटोन इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, और जो स्कैटर्ड फोटोन है बच्चों, जो तितर बितर हो गए फोटोन इस मीडियम से गुजरने के बाद में, उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट बदलाव आ जाता है, फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, वेवलेंथ भी बदल जाती है। तो बच्चों इस इफेक्ट से पहले तक ये माना जाता था कि लाइट अपनी फ्रीक्वेंसी बदलती ही नहीं है, इट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट बच्चों रामन ने सबसे पहले ये प्रूव किया कि फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है अगर उसको किसी मीडियम में से पास किया जाए एनर्जी का लेन देन होने के कारण, तो फोटोन्स अपनी कुछ एनर्जी दे या ले सकते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल से, और इस प्रकार से उसकी एनर्जी में परिवर्तन आ जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी बदल सकती है, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो वेवलेंथ बदलेगी, क्योंकि दोनों इनवर्स है आपस में, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है तो वेवलेंथ बढ़ती है। तो ही ऑब्जर्व दैट दीज फोटोन्स अंडरगो ए स्लाइट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, स्कैटर्ड फोटोन जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट परिवर्तन आता है, वेवलेंथ बदल जाती है, दिस इंफॉर्मेशन, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ में जो हल्का सा भी परिवर्तन होता है स्कैटर्ड फोटॉन्स का, इस परिवर्तन को नापने पर हमको मेजर कर दे इसको, तो इससे वो जो लिक्विड स्ट्रक्चर है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, मीडियम के बारे में, लिक्विड मीडियम का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, डिटेल्स हमको मिल पाती है इस मेजरमेंट से। तो ये था बच्चों वर्ल्ड फेमस रामन इफेक्ट, ठीक है, और डॉक्टर सी वी रामन जो है उनको कई जाने माने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया बच्चों, तो उनको क्या क्या ऑनर्स, क्या क्या सम्मान मिले, क्या प्राइज मिले वो है, तो भारत सरकार ने उनके इस कार्य को देखते हुए उनको नेशनल टीचर, राष्ट्रीय शिक्षक की उपाधि से सम्मानित किया 1949 में बच्चों, ठीक है, भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बच्चों वो उनको 1954 में मिला 1954 में, और तीसरा रशिया की ओर से लेनिन पीस प्राइज, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया साइंटिफिक रिसर्च ये पीसफुल साइंटिफिक काम के लिए उनको ये उपाधि, ये जो ऑनर है उनको दिया गया, लेनिन पीस प्राइज 1958 मिला। तो ये तीन बेसिक उनके क्या है, ये उनको अवार्ड जो है ऑनर्स उनको दिए गए, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में है
अभी हमारे 6 और साइंटिस्ट रह गए, तो अगले वीडियो में एक और मैं 3 और डिस्कस करूंगा, और उससे नेक्स्ट में फिर हम 3 और करेंगे, तीन तीन के पार्ट में करेंगे। तो शुरू के जो 3 साइंटिस्ट थे, सुश्रुत, चरक और डॉक्टर सीवी रामन, इनके बारे में हमने हमने आज के इस वीडियो में देखा। तो समझ के अच्छे से इसको आप नोट कर लेंगे, पॉइंट वाइज इसको लर्न कर लेंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा के चैप्टर नहीं है। क्लियर है? सो आज के वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।